नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको दो गाने बताने वाले हैं जो सिर्फ दो तीन बटनों पर ही चलेंगे। तीन बटनों पर दो गाने ऐसे हैं जिनपे आप पूरा गा सकते हैं, उनकी अंतरा भी स्थाई भी, जिसमें हमारा एक देहाती में रहेगा, एक हमारा जो है आपने बहुत पहले इस गीत को सुना होगा, जो भी गीत, दोनों गीत आपने बहुत अच्छी तरीके से सुने होंगे, गारंटी है। और आप इन्हें अगर आप न्यू बजाने वाले हैं, नए बजाने वाले हैं, तो बहुत आसान तरीके से प्ले कर सकते हैं। बस शुरू से लेके अंत तक बने रहिएगा, अगर बीच में छोड़ देंगे तो भैया समझ में कुछ आने वाला नहीं है। तो शुरू से लेके अंत तक बने रहिएगा। हमारे गीत क्या हैं? एक तो हमारा गीत ये है, मधुबन जब जाऊंगी मोहन तुम्हें संग ले जाऊंगी, ठीक है। और दूसरा, मेरे जेठ को लड़का महापापी ये तुम्हारे यहाँ कहे चाची, ठीक है। ये भी आपने जरूर छोटे मतलब पहले सुना होगा, काफी पुराने गाने हैं ये। तो पहले हम सीखेंगे मेरे जेठ को लड़का महापापी, ठीक है। तो इस पर जो है स्वामी आधार चैतन्य ने भी अपनी जो टूट, इस गाने अगर बोची सीख रहे हैं तो इसकी टूट भी दे सकते हैं। इसकी टूट जो है झड़ पर, जो झड़ हम गाते हैं ना, तो झड़ पर टूट दे सकते हैं इस गाने की। और मधुबन जब जाऊंगी इस पर तो हजारों भजन है, किधर कोई गिनती नहीं है, कितने गा सकते हैं, आपकी जितनी इच्छा हो उतने आप प्ले कर सकते हैं। तो बस भैया शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। और अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, फटाफट कर दीजिएगा, प्यारा सा एक लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। तो आज ये सी शार्प की स्केल से अपन सीखते हैं किस तरीके से बजाएंगे, ठीक है। पहले हम बताया था, मेरे जेठ को लड़का महापापी वो तो मारे आंख कहे चाची मेरे, है ना। तो आप मतलब थोड़ा वैसा सॉन्ग है, लेकिन इसके बाद मधुबन जब जाऊंगी, ठीक है, कि मधुबन। अब ये पहले एक सीख लेते हैं, तो उसके बाद दूसरे की बात करते हैं। अब स्वामी आधार चेतन जैसे झड़ गाते हैं ना, झड़ क्या होती है आप काफी क्लासिकल वाला नहीं जानते, झड़ ये है। आप सीख लेते हैं फटाफट किस तरीके से बजाएंगे, देखो। मेरे जेठ को लड़का, मेरे जेठ को लड़का तो सा सा रे मा, मेरे जेठ को लड़का मा सा सा रे मा मा गा रे, मेरे जेठ को लड़का मा आ पा पे रे सा, बस चार ही बटनों पर पूरा बज रहा है। मेरे जेठ को लड़का महापापी ये तुम्हारे आंख कहे चाची, ये तुम्हारा ये तुम्हारे आंख कहे चाची, मैं तो बड़ा मर जाऊं मेरी चाची, मैं तो थोड़ा वैसा सॉन्ग है, लेकिन इस पर गीत बहुत सारे हैं ना, पुरानी तर्ज है। अब मतलब इसकी स्थाई अंतरा सेम चलेगी, किस तरीके से चलेगी देखिए। मैं तो सैंडल ये अंतरा में, मैं तो सैंडल ले आया मेरी चाची, मैं तो सैंडल ले आया मेरी चाची, सा सा रे मामा
गा रे रे सा 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 मैं तो सेंड लल्याया मेरी चाची। समझ में आया नहीं आया? देखो मैं तो सेंड लल्या, दोनों बोल फीमेल फीमेल सेम स्केल पर, मैं तो सेंड लल्याया मेरी चाची, मोए पैना दिखाई दे मेरी चाची, तो पे मार पड़े। उसी पर पूरा गाना चल रहा है ना, आप इतना तो बजा ही सकते हैं आसान तरीके से, ठीक है? तो एक तो हमारा ये गीत हो गया, अब दूसरा मधुबन जब जाऊंगी मोहन तुम्हें संग ले जाऊंगी, ठीक है? तो ये देखिए कौन सा है, हरि ने जन्म लियो मथुरा आई जे लखाने, हरि ने वही तर्ज है मधुबन जब जाऊंगी मधु। ये भजन भी है, आप भजन अगर गाने के शौकीन है तो इसे लोड कर लीजिएगा, इसे अपने स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है? यही वाला मैं बता रहा हूँ आपको क्या है। हाँ, हरि ने जन्म लियो फिर हरि ने जन्म लियो मथुरा आई जे लखाने में, दुकान दे देनी, ठीक है? हरि ने जन्म लियो मथुरा आई जे लखाने में, भादो मासन सांधियारी। अंतरा है, क्या है ये अंतरा है, ठीक है? अंतरा में देखिए किस तरीके से अंतरा हमारी, भादो मासा निसा आंधी, भादो मासा निसा आंधियारी, सा सारे सारे गा गा रे रे सा, भादो मासा निसा आंधियारी, तिथिया ठे जन्मे गिरधारी, तिथिया ठे जन्म में गिरधारी, तिथि तिथि जन्म में गिरधारी, खुशी है अति छाई मथुरा आई जे लखाने में, है ना? फिर सैम चलेगा, कारागार के खुल गए ताले, सोई गए रे वारे, खुशी अति है छाई मथुराई जे लखाने, मन मोहन को भूप ले आए, जमुना जी के तट पर आए, पीछे सिंह दहाड़े मथुराई जे लखाने में, बिसके भूप बचे नहीं प्राणा, मन का जान गए भगवाना। कुछ भी, बहुत अच्छा भजन है, आप ये भजन ऐसे गाएंगे तो आनंद ही आनंद आ जाएगा, है ना? तो आप अपने आराम से प्ले कर सकते हैं। तो आई होप वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद भैया पूरा वीडियो देखने के लिए, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद पूरा वीडियो देखने के लिए।